तो कैसे हैं दोस्तों आप सब, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल मेक इट इजी #TOC पे। हम लोग बात कर रहे थे अपने सीरीज ऑफ वीडियोस टीओसी पे, हम लोग डिस्कशन जारी रखते हैं अपना। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बोला था, अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे DFA डिजाइनिंग के ऊपर। एक एक कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, अपने कंसेप्ट को डेवलप करेंगे कि कैसे आखिर हम लोग DFA को कैसे हम लोग इसको डिजाइन करें एकदम मिनिमम पॉसिबल टाइम में, ठीक है, एकदम जल्दी से हम लोग इसको DFA डिजाइनिंग को हम लोग सीख लें एकदम उसका बेसिक से, हम लोग एकदम अच्छे खासे क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं अपने DFA डिजाइनिंग से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये इसलिए जरूरी है ये DFA डिजाइनिंग सीखना, क्योंकि गेट में और यूनिवर्सिटी एग्जाम में, गेट में तो हर साल एक से दो क्वेश्चन इस पे जरूर आता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है DFA डिजाइनिंग के ऊपर, ठीक है। मिनिमम DFA करना, मिनिमम DFA को मिनिमाइज करना एक अलग से एक सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये सीख लें कि कैसे अगर DFA बनाते हैं तो हम लोग को अपने आप आइडिया हम लोग के दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा कि आखिर कंसेप्ट क्या है, ठीक है। आइडियोलॉजी हम लोग का यहीं से बिल्डअप होना स्टार्ट होगा अपने, जैसे हम लोग मिनिमम DFA बनाना सीख लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं अब। तो क्या है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन का DFA बनाना है हम लोग को, एक डिजाइन करना है मिनिमम DFA ओवर इनपुट अल्फाबेट हम लोग का A कॉमा बी, यहाँ पे हम लोग का सिंबल है A कॉमा बी, इनपुट सिंबल है, सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट स्टार्ट विद अ सबस्ट्रिंग W, ठीक है। हम लोग का जो भी DFA बनेगा वो ऐसा सबस्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो कि स्टार्ट होगा या तो A से, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, ठीक है। तो हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यही चीज को हर बार चेंज करेगा, ये बोलेगा कभी स्टार्ट में, कभी बोलेगा एंड में ये होना चाहिए, कभी बोलेगा कुछ, ठीक है। तो मतलब हम लोग का जो स्ट्रिंग है W, इसमें स्टार्टिंग में A होना चाहिए और आगे फिर कुछ भी हो, ठीक है। आगे कुछ भी का मतलब इन दोनों इनपुट अल्फाबेट में से कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग का जो पहला स्टेप है DFA डिजाइनिंग का, वो हर बार क्या रहेगा, एक लैंग्वेज लिखना। लैंग्वेज लिखने से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा, हम लोग को आइडिया एकदम समझ में आने लगा कि हम लोग को आखिर करना क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंबल को लिखेंगे। तो क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला वही लिखेंगे जो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग पॉसिबल है यहाँ पे। तो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग जिसमें हम लोग बोल सके कि हमारा जो सबस्ट्रिंग है वो A से स्टार्ट हो, वो क्या होगा, वो खुद क्या होगा, A होगा, ठीक है। A के आगे कुछ भी ना है, ठीक है। और क्या हो सकता है, A के आगे A आ जाए, या फिर क्या हो सकता है, A के आगे B आ जाए, या फिर क्या हो सकता है, A के आगे दो A आ जाए, दो B आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। तो हम लोग का जो बेसिक काम है वो क्या है, एक लैंग्वेज को डिफाइन करना, उसमें कुछ स्ट्रिंग्स लिखना, जिससे हम लोग का आइडिया, हमारा कंसेप्ट हमारे DFA में बैठ रहा है कि नहीं वो हम लोग को पता चले, ठीक है। तो हम लोग का पहला काम क्या है, एक मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग लिखना है जो ये हमारे कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हम लोग लिखे A। हमारा जो दूसरा स्टेप है, लैंग्वेज तो हम लोग कर लिए, लैंग्वेज डिफाइन कर दिए, दूसरा स्टेप जो है वो क्या करना है, मिनिमम पॉसिबल जो स्ट्रिंग हमने लिखा है उसको हम लोग के DFA में एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है। कैसे एक्सेप्ट कराएंगे, देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक स्टेट लिए, इनिशियल स्टेट बताया था मैं, इनिशियल ट्रांजिशन के लिए ऐसे एरो बनाए हम लोग, इनिशियल स्टेट लिए, उसके बाद फिर क्या किया, हम लोग को मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है। तो हम लोग क्या किए, स्टेट को चेंज कर दिए, Q0 से हम लोग चले गए कहां, Q1 में चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टेट चेंज क्यों किए, ठीक है, ये कौन सा स्टेट होगा, हम लोग का फाइनल स्टेट होगा, ये फाइनली एक्सेप्ट कर रहा है हम लोग के स्ट्रिंग A को, ठीक है। ये हम लोग का अभी DFA अभी तैयार नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग आखिर स्टेट को चेंज क्यों किए, तो इसका आंसर ये है कि हम लोग स्टेट को चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि DFA के पास खुद की कोई क्या होती है, मेमोरी नहीं होती, खुद की कोई मेमोरी नहीं होती इसकी। तो अगर हम लोग को क्या करना है, कोई भी सिंबल को याद रखना है, कोई भी सिंबल को हम लोग को याद रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेट का क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, स्टेट का ट्रांजिशन किए तो हम लोग ये सिंबल को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। DFA के पास खुद की कोई मेमोरी नहीं होती, इसका मतलब क्या, स्टेट चेंज करना एक मेमोरी कंसेप्ट है, कोई भी चीज याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसको ऐसा समझ सकते हैं, एक लूडो जो हम लोग खेलते हैं, जैसे डाइस में कुछ भी चीज आता है, जैसे सिक्स आया, तो हम लोग को याद रखना है कि हम लोग की गोटी कहां पे, हम लोग क्या करते हैं उसको आगे बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी पोजीशन को चेंज किए। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहां पे है कि हम लोग क्या करते हैं, स्टेट को चेंज कर देते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए तो हम लोग को याद रहता है कि हमारा पिछली बार क्या आया है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं Q1 पे खड़ा हूं तो मेरे को याद रहना चाहिए कि A आ चुका है, ठीक है, ये कंसेप्ट है असलियत में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दो स्टेप हो गए हम लोग के, लैंग्वेज डिफाइन कर दिए, दूसरा काम क्या, मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा दिए,
जो तीसरा स्टेप है वो क्या करना है, डीएफए को कंप्लीट करना है। क्यों डीएफए को कंप्लीट करना है, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि डीएफए क्या होता है, कंप्लीट सिस्टम होता है। कंप्लीट सिस्टम बोलने का मतलब कि हर एक स्टेट हर एक इनपुट सिंबल के लिए रिस्पॉन्ड करे। तो यहां पे तो जो हम लोग का क्यू जीरो स्टेट है वो तो ए के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, Q1 किसी के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो अभी ये क्या है, कंप्लीट नहीं है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस DFA को कंप्लीट करना है। तो Q0, अगर Q0 में हम लोग खड़े हैं, ठीक है, Q0 में अभी कोई भी स्ट्रिंग नहीं आई है, तो अगर वो A से स्टार्ट हुआ तो ये खत्म हो जाएगा, फाइनल स्टेट पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो B से अगर स्टार्ट हो जाता है, तो क्या लैंग्वेज में से किसी भी स्ट्रिंग के साथ ये मैच कर रहा है क्या, ये B या फिर इसके बाद कुछ भी है, B के बाद कुछ ऐसा आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग का स्ट्रिंग क्या है, कंडीशन ही है ना हमारी कि स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, A से होना चाहिए। तो अगर B आ गया स्टार्टिंग में तो क्या करेंगे, तो अगर B आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक नए स्टेट में भेज देंगे, इसको बोल देते हैं क्यू टू, और यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगा देते हैं ए कॉमा बी। इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेड स्टेट बोलते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, डेड स्टेट क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जहां से फाइनल स्टेट में जाने का कोई भी रास्ता ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेड स्टेट बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे मेरा इनिशियल बी से अगर स्टार्ट हुआ स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूंगा, उसको ट्रैप कर दूंगा, डेड स्टेट में भेज दूंगा। अब बी के बाद ए आए, बी आए, कुछ भी आए, ये अब वापस नहीं आ सकता, ठीक है, ये वापस नहीं आ सकता, मतलब फाइनल स्टेट में अब नहीं जा सकता। तो ये क्या हो गया, डेड स्टेट हो गया, ट्रैप हो गया। तो अब बी से स्टार्ट हो रहा है, अब ये जो क्यू जीरो स्टेट है वो ए के लिए भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, बी के लिए भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये वाला स्टेट का काम हो गया। हम लोग आते हैं क्यू वन स्टेट पे, तो क्यू वन स्टेट में ए तो आ गया है, ए आ गया है, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ए, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इसका मतलब ए को वो याद कर चुका है, ठीक है। अब इसके आगे अगर ए आया मेरा, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ए आ सकता है, कितनी बार भी ए आ सकता है, हम लोग का स्ट्रिंग क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगा देंगे ए के लिए। अच्छा, एक चीज और, ये डेड स्टेट में हम लोग कब डेड स्टेट में भेजेंगे, जब हम लोग एकदम श्योर हो जाए कि हमारा जो स्ट्रिंग है, हमारा जो है वो अब यहां पर से काम नहीं कर सकता। ये अगर B से अगर मैं इनिशियलाइज कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे B से कोई भी हमारा स्ट्रिंग मैच नहीं कर रहा है, B से इनिशियलाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन ही वही है। तो एकदम जब हम लोग श्योर रहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, डेड स्टेट में भेज देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, तो स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन है, जहां पे सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग में बोलेगा कि ऐसा होना चाहिए, उसी केस के लिए हम लोग डेड स्टेट का यूज करेंगे। और डीएफए में एक से ज्यादा डेड स्टेट नहीं होंगे, जनरली नहीं देखने को मिलेंगे, एक से ज्यादा डेड स्टेट नहीं होंगे डीएफए में, ठीक है। यहाँ पे बी में चला गया, और अगर ये इनपुट सिंबल ए तो हो गया, अब इसको हम लोग को बी के लिए रिस्पॉन्ड करना बाकी है। तो अगर ए तो आ गया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे बी आता तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है कोई दिक्कत, ए भी है, कितने भी बार बी है कोई दिक्कत नहीं है, ए तो हम लोग का आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग एक और लूप लगाते हैं, लूप एक और नहीं, मतलब ए के साथ बी भी लगा देते हैं, चाहे ए आए चाहे बी आए, हमारा डीएफए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हर एक स्टेट हर एक इनपुट सिंबल के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग का कंप्लीट में एक कंप्लीट डीएफए हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। इस और साथ ही साथ एक चीज और हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितने स्टेट्स का खर्चा हुआ है, एक दो तीन, तीन स्टेट लगे हैं, तो हम लोग इसके आगे लिख देते हैं तीन, ठीक है। तो ये हम लोग फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं अपने इस पहले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इस दो पार्ट को भी हम लोग कवर करेंगे, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं अभी, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।